बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। CSS 2019 क्वेश्चन 3, एग्जामिन चाइना स्ट्रेटजिक विजन बिहाइंड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, आल्सो नोन एज वन बेल्ट वन रोड ओबोर। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जनरली कॉल्ड वन बेल्ट वन रोड, इज अ मैसिव एस्टेब्लिशमेंट एंड एडवेंचर प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट इन 2013। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये एक तरह से बहुत बड़ा ये इंटर स्टेट्स प्रोजेक्ट है, इवन इंटर कॉन्टिनेंट प्रोजेक्ट है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 2013 में इसकी बुनियाद रखी। इट इनकॉर्पोरेट्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ गिगानेट एसोसिएशन ऑफ रोड्स, रेल्स, पोर्ट्स एंड पाइपलाइंस कनेक्टिंग चाइना टू द रेस्ट ऑफ द एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ये तीन बरेआज़मों के दरमियान में जो है ना, चाइना को जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट है, जो कि रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और पाइपलाइंस के ज़रिए जोड़ेगा दूसरे एरिया से चाइना को। अब हम देखते हैं द फंडामेंटल विजन बिहाइंड द BRI कैन बी गॉटन अप हैंडल ऑन इन द गोइंग विद वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो है ये चाइना के लिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ के तौर पे सामने आएगा। चाइना को ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे बिजनेस एरियाज़ में नए वेंचर करने में दूसरे मुल्कों के साथ जो है ना म्यूचुअली बेनिफिट होगा, चाइना को भी और उन कंट्रीज़ को भी। इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, इससे जो रोड्स, रेल्स, एयर्स की और हाईवेज़ की जो कनेक्टिविटी है, सी रोड्स की कनेक्टिविटीज़ है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे चाइना जो है वेरियस कंट्रीज़ में एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बरेआज़मों के मुल्कों के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स ले सकता है, दे सकता है, वहाँ से रिसोर्सेज ले सकता है, जैसे ऑयल, गैस वगैरह, और वहाँ पर अपनी बनाई हुई चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इससे एक मॉडर्नाइज्ड नेटवर्क सामने आ रहा है, जिससे डेवलपमेंट और डाटा एसोसिएशन हो रही हैं। आप चाइना जो है वो एनर्जी, डिफरेंट कंट्रीज़ के मसाइल जो हैं, एनर्जी रेलिवेंट हैं, एजुकेशन, वहाँ पे भी पीपल टू पीपल कनेक्शन दे रहा है, लोगों को आपस में जोड़ रहा है और टेक्निकलिटीज़ दे रहा है। फिर एडवांसिंग चाइनाज जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट, इससे चाइना के जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं वर्ल्ड वाइड बेहतर होंगे, उनके इनको बेनिफिट मिलेंगे और एगमेंटेशन उसमें तेज़ी आएगी। इस तरह से चाइना जो है वो अपने मॉनेटरी, पॉलिटिकल और जो है ना स्ट्रेटजिकली अपने इंटरेस्ट गेन करने की कोशिश है। डाइवर्सिफाइंग चाइनाज इकॉनमी, इससे चाइना की इकॉनमी डाइवर्सिफाई होगी, चाइना जो है वो अपने इंटरेस्ट गेन करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ लेन देन करेगा, डेफिनेटली वहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, उन कंट्रीज़ को भी बेनिफिट देगा। तो इससे ओवरऑल एक इस रीजन में बहुत खुशहाली आएगी। Then considering everything, the fundamental vision behind the Belt and Road Initiative is diverse and complex. It is planned to help monetary turn of events, further foster accessibility, advance China's global benefits and separate its economy. While the driving might conceivably convey numerous benefits to China and the countries being referred to, there are similarly stresses over the sensibility of the endeavor, particularly to the extent that the मनी रिलेटेड फिनेंशियल एंड नॉर्मल इम्पैक्ट। तो इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं जो चाइना को और दूसरे रिलेटेड कंट्रीज़ को फेस करने पड़ेंगे। जैसे चाइना ने पाकिस्तान के अंदर CPEC स्टार्ट किया, तो CPEC के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो ये अब देखा जाएगा कि पाकिस्तान और गवर्नमेंट, चाइनाइज गवर्नमेंट किस तरह से मिलकर इसको सक्सेसफुल करते हैं और कैसे आउटसाइडर्स जो जैसे इंडिया या USA या दूसरे वेस्ट के जो इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उन पॉलिसीज़ को चाइना और पाकिस्तान CPEC की शक्ल में और चाइना और अदर जो उसके कोलैबोरेटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो BRI को कैसे कामयाब करवाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।